कुमार वर्मा, इस वक्त हम झारखंड की राजधानी रांची में मौजूद है और ये जो कॉलेज है वो आईएलएस कॉलेज है और आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये स्टूडेंट जो और ये लोग यहाँ से लॉ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आज हम यहाँ के जो छात्र हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे जानेंगे कि वो लोकसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है, वो किस तरह का प्रधानमंत्री चाहते हैं। और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? नीरज गुप्ता। नीरज, ये बताओ क्या देख रहे हो इस बार तुम? बात की जाए प्रधानमंत्री के तौर पर, तुम किसको कुर्सी पर देखना चाहते हो और क्यों देखना चाहते हो? कुर्सी पर तो हम अभी जो हमारे वर्तमान के या पूर्व के जो प्रधानमंत्री थे, हम उन्हीं को देखना चाहेंगे, क्योंकि उनके जैसा अभी तक कोई नज़र आ ही नहीं रहा। जिस तरह से वो पिछले लगातार दो बार प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह जी को नहीं, नरेंद्र मोदी जी को। मनमोहन सिंह जी ठीक थे, लेकिन अभी के सिचुएशन के देखते अनुसार, मतलब नरेंद्र मोदी, मतलब अगर हमसे पूछा जाए अपना पर्सनल, तो हम पर्सनली अगर कोई बोला जाए तो हम उन्हीं को वोट देना चाहेंगे। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे रीजंस ये है कि सिर्फ हम ये बार बार की चीज़ों को नहीं देख सकते हैं, देश हमारा कहाँ पहुँचा हम उसको भी देखना पसंद करेंगे। सिर्फ आटा दाल चावल में अटक के तो नहीं रह सकते। आटा दाल चावल में नहीं अटकेंगे, क्या देखोगे तुम? देखेंगे कि हमारा देश कहाँ पहुँचा। आज जल थल वायु तीनों में टॉप लेवल में हमारा देश है। भाई जल थल वायु सब में टॉप है। और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनके क्या रहा है। क्या नाम है आपका? देखिए मेरा नाम वेदांत शेखर हुआ। वेदांत, वेदांत क्या सोच रहे हो इस बार वोट करने जाओगे, क्या सोचकर वोट करोगे और क्या देखोगे इस बार? देखिए भारत के नागरिक होने के नाते तो सबसे पहले अपना देश भारत के बारे में सोचना होगा। उसके हित में जो जो अभी तक कार्य हुए हैं उन सबको लेखा जोखा सारा चीज ध्यान में रखते हुए वो मुताबिक वोट जरूर। तो क्या लग रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी काम सही कर रहे हैं या फिर बदलना चाहिए, चेंज चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से तो सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं, क्या सही? देखिए बहुत सारा चीज है। पहले कहा जाता था, आजकल लोग महंगाई के बारे में ज्यादा चीज बात करते हैं, मगर अभी के वर्तमान में और इससे पिछले पूर्व भी हमारे नरेंद्र मोदी जी भी प्रधानमंत्री रहे, तो इन्फ्लेशन रेट को अगर आप देखिए कि पहले क्या साल में किस तेजी से रफ्तार में महंगाई बढ़ रही थी। नो डाउट बढ़ेगी, वो तो जरूर बात है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आदमी का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है तो उपयोग भी ज्यादा होगा, पर किस रेट से बढ़ा, तो अगर आप इन 10 साल के नीचे में निकालिएगा तो काफी, मतलब इन्फ्लेशन रेट पहले के मुताबिक काफी कम है। यही है भाई, छात्रों से पूछेंगे और लॉ के छात्र है, थोड़ा टेक्निकल चीज बताते हैं। क्या नाम है? अभिजीत। अभिजीत, ये बताओ क्या सोच रहे हो इस बार प्रधानमंत्री का चुनाव में, किसको देख रहे हो प्रधानमंत्री की कुर्सी? हमारे अभी माननीय जो है श्री नरेंद्र मोदी। माननीय श्री नरेंद्र मोदी क्यों? क्योंकि वो होने ही चाहिए इस देश में। नाराज हो जाएंगे फिर राहुल गांधी, कहेंगे भाई हम भी तो हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे नहीं है ना। क्यों है? वो देश को कहां से कहां ले गए हैं। अभी सब लोग, पहले लोग प्रधानमंत्री पीछे रहते थे, प्रधानमंत्री आगे रहते, देश का कुछ भी हो वगैरह कुछ में भी। भाई पहले प्रधानमंत्री पीछे थे, अब आगे हो गए हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हुआ बबलू। बबलू, बबलू ये बताओ इस बार क्या देख रहे हो भाई प्रधानमंत्री की कुर्सी में? मोदी जी को। बबलू भी मोदी जी है आखिर, ऐसा क्यों? ऐसा रीजन इसलिए है क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी है, ठीक है, उनके पास कोई वैसा चेहरा है नहीं। आप राहुल गांधी को जी को लीजिए, है ठीक है, लेकिन ठीक है मतलब ठीक है, वो जो पावरफुल का जो वाइब आता है वो नहीं मिल पा रहा है। तो समस्या यही है, हमारे अपोजिशन के पास कोई चेहरा नहीं है। चेहरा लाने की जरूरत है, चेहरा लाने की जरूरत है। नाराज हो जाएंगी ममता बनर्जी भी, कहेंगी हम इतने बड़े चेहरा पश्चिम बंगाल में, तब से हम लगातार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, फिर नाराज हो जाएंगे अखिलेश यादव की, भैया हम भी तो मजबूती से चुनाव। तो इन लोग स्टेट में हैं, तो इन लोग को अगर ठीक है, हाँ सही है, स्टेट तक ठीक है। और भी हैं, इनसे बात करें। क्या नाम आपका? हनी सिंह। हनी सिंह, हनी ये बताओ इस बार किसको देख रही हो? एज ऑलवेज मोदी। तुम भी मोदी, क्यों? Because of his leadership qualities. Leadership quality. If we want our nation to lead, we need a strong leader first. And I think that he is the one who can lead our nation.
भाई। अच्छा एक चीज बताइए, तो फिर इंडी गठबंधन जो कह रहा है लोकतंत्र खतरे में, चूंकि आप लोग काला कोट पहनी है, आप लोग कुछ दिन बाद वकील बन जाएंगे, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। लोकतंत्र खतरे में उस वक्त था जब इंदिरा गांधी थी। एक्चुअल में डेमोक्रेसी का डिनायल वहां पे हुआ था ना, कि मोदी के राज्य में हो रहा है। हाँ भाई बड़ी बात, इंदिरा गांधी के समय की बात हो गई। और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव कुमार हुआ। गौरव, गौरव ये बताओ क्या लग रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है? वैसा कुछ नहीं है, वो इंडिपेंडेंट वाले लोग को लग रहा है लोकतंत्र खतरे में, क्योंकि उनका घर परिवार नहीं चल रहा है, रोटी नहीं चल रहा है, लोकतंत्र कहीं खतरे में नहीं है। खतरे में नहीं? नहीं, वो तो कह रहे हैं, चीख चीख रहे हैं कि भाई लोकतंत्र खतरे में है, बचा लो। नहीं वैसा कुछ नहीं है, नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, ग्लोबल लेवल पे हो, सभी जगह से अच्छे काम कर रहे, नेतृत्व भी अच्छा है उनका। अभी आने वाले सालों में ये नरेंद्र मोदी तीसरे अभी पांचवें स्थान में है अभी इकोनॉमिकल, और अभी तीसरे स्थान में आने का वो रखे हैं, तीसरे स्थान पर रखे हैं। और भी हैं, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, चलिए अंदर चलते हैं, कुछ लोग और भी हैं उनसे बातचीत करेंगे। एक और स्टूडेंट है, क्या नाम आपका? आयुषी प्रकाश। आयुषी ये बताओ जरा कि इस बार किसको वोट कर, मतलब किस, क्या लग रहा है किसको, कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? मुख्यमंत्री रघुवर दास। रघुवर दास। और प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री रघुवर दास पहले थे तो वो बहुत अच्छा काम किए थे हम लोग के लिए, इसीलिए हमको लगता है कि इस बार वो अगर झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे तो इस बार भी अच्छा काम करेंगे। और प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं? हाँ वो भी काम कर रहे हैं। उनका काम ठीक लग रहा है? हाँ उनका भी ठीक लग रहा है। हाँ चलिए और भी कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं। और ये हम लॉ फैकल्टी में एक, क्या नाम? मेरा नाम कामिनी मेहता है। कामिनी, कामिनी ये बताओ इस बार किसको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाह रही हो और क्यों? पिछले 10 सालों में जो भी करप्ट हुआ है मोदी जी के शासनकाल में, जैसे मणिपुर में महिलाओं को नंग वस्त्र कर घुमाया गया, उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोले, और अभी जो हिंसा चल रहा है उसको लेकर एक वर्ड भी उनका नहीं है। कहाँ हिंसा चल रही? मणिपुर में। और फिर आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में जैसे वोट की चोरी हुई, उसको खिलाफ उसके लिए कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अभी फिर जब किसान आंदोलन चल रहा था तब मोदी जी एक शब्द नहीं बोले, और अब वो दिखावा कर रहे हैं पगड़ी बांधकर और रसोई में कि वो खाना पका रहे हैं। भाई पूरा देख रहे हैं स्टूडेंट, देखने वाली बात। कितने दिन मोदी जी ये शब्द ढकोसला करेंगे बताइए? तो ये क्या लग रहा है, इस बार बदलाव चाहिए आपको? जी बिल्कुल चाहिए बदलाव। बदलाव चाहिए? हाँ। तो आपको क्या लग रहा है किसको देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, कौन आपको लग रहा है ठीक है? ऐसे तो अभी तो दो ही चल रहा है, एक बीजेपी और एक इंडिया अलायंस। अब जनता जिसको चुनती है, अब जनता अपने हक। आप किसको देखना, राहुल गांधी को देखना चाहेंगे या फिर ममता बनर्जी या फिर अरविंद केजरीवाल या फिर अखिलेश यादव, क्योंकि इंडिया अलायंस में? हाँ ये लोग सब तो इंडिया अलायंस में ही है, तो इंडिया अलायंस जीतेगी तो पूरी पार्टी की जीत होगी और पूरी जनता की जीत होगी, कि जनता जो चाहेगी जनता के हक में होगा। हाँ भाई जनता के हक में होगा, मणिपुर का मुद्दा उठ गया। और भी कुछ लोग स्टूडेंट है, हाँ कुछ लोग शर्मा जाते हैं, जो शर्माते हैं उधर नहीं जाना है, एक मिनट कुछ और। क्या मणिपुर का मुद्दा उठा इसमें, वो तो सही है, लेकिन आपको ज्ञात होगा विगत कुछ दिनों पहले एक संदेश खली जहाँ पे शेख शारजहाँ, वहाँ पर जो लेडी है वहाँ को सीधा उठा कर लेके जाया जा रहा और उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा, उसमें कुछ नहीं वहाँ बंगाल की सरकार बोली। और संदेश खाली की ये मणिपुर घटना की निंदा करते हुए हम लोग ठीक है, उसमें सबको वो दिख रहा है, लेकिन वो संदेश खाली वाला किसी को, महिला कहीं की भी हो भाई, महिला महिला होती है, ये भी समझना पड़ेगा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी क्या राय है। थोड़ा क्लासरूम के अंदर चलते हैं और देखते हैं बच्चे क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं। मिली गई हैं, आप क्या नाम है? मेरा नाम राखी साहू है। राखी क्या सोच रही है इस बार? मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं जिसे भी वोट देने जाऊँ तो मेरा सिर्फ उनसे एक मेन मोटिव है कि वो गर्ल्स के लिए ऑफकोर्स कुछ करे, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ एक छोटा सा गांव है वो, ठीक है, वहाँ पे अभी भी बहुत सारी लड़कियों है जिनको एजुकेशन नहीं दिया गया है कि 18 से पहले शादी नहीं, और अभी भी आप वहाँ पे जाकर देखिएगा ना तो 18 से पहले भी लड़कियों की बहुतों की शादी हुई है, और इतने ही नहीं अभी तक भी जितनी भी फैमिलियाँ हैं ना
उन लोगों ने अपने बच्चों को, जैसे कि बाहर से कोई आता है और उन्हें फैमिली को पैसा देते हैं और वो बेटी को मतलब उनके साथ भेज देते हैं, मतलब ऐसा कुछ होता है। बट और मतलब इनके बारे में हमारा जितने भी यहाँ के जितने भी लोग हैं जो ऊंचे पदों पे, उन लोगों को इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं, क्योंकि वो लोग इंक्वायरी के लिए कभी आते ही नहीं है। तो क्या चाह रही हो, प्रधानमंत्री कौन हो, कैसा हो और कैसा मतलब किस तरह का काम करने वाला होना चाहिए? बस मैं चाहती हूँ कि वो हमारे लिए मतलब गर्ल्स के लिए कुछ अच्छा करे, क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा है अब तक। भाई महिला सशक्तिकरण को बढ़ाया जाए। क्लास खाली हो गई, हम अंदर पहुँचे तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं। और भी कुछ स्टूडेंट हैं, वो भी आए हुए हैं। आपको बता दें कि ब्रेक चल रहा था इनका, कुछ और स्टूडेंट आए, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ स्टूडेंट भाग जा रहे हैं भाई, स्टूडेंट और भी कुछ है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ये, हमको समझना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि किस तरह का हमें चाहिए, अगर प्रधानमंत्री हमें किस तरह का चाहिए। ये कुछ लोग हैं और भी हैं, एक और स्टूडेंट, उनसे बात, क्या नाम है आपका? अभिनव। अभिनव क्या सोच रहे हो इस बार, किस तरह के तुम्हें चाहिए प्रधानमंत्री चाहिए? अभी 10 साल से जैसा मोदी जी का चल रहा है, ऑब्वियसली बीजेपी का होना चाहिए। बीजेपी का होना चाहिए, क्यों क्यों? क्योंकि सब बीजेपी का मेन मोटिव मतलब मेन ये है कि सबको मणिपुर दिख रहा है, ये दिख रहा है 10 साल में क्या विकास हुआ है। पहले क्या था, आज से 10 साल पहले पेट्रोल का दाम 71 था और सब बोलता है कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, लेकिन पेट्रोल का दाम अभी भी बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा 100 ही रुपया। 10 साल में अगर 30 रुपये का भी बढ़ोतरी नहीं होगा तो क्या होगा? यह मणिपुर का दिख रहा है, यहाँ पर राजस्थान हो गया, कर्नाटका हो गया, जितने भी वहाँ पर कांग्रेस के है या NDA दिल्ली, वहाँ पर हमेशा हिंदुओं को दबाया जाता है। यहाँ झारखंड में भी हमेशा हिंदुओं को दबाया जाता है, रिजर्वेशन बढ़ा के इंडिया अलायंस वाले लोग का है कि रिजर्वेशन बढ़ा के 50% और बढ़ा देंगे तो जनरल वाले लोग का क्या होगा। यह सब कुछ मुद्दे हैं। और अभी कर्नाटका में ही कुछ दिन पहले केस आया था कि एक भजन बजा रहे थे दुकान में, तो वहाँ पर 4-5 मुस्लिम भाई ने आके उनके ऊपर मारपीट की, तो वो कहाँ का है कि वो, और वहाँ पर उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। भाई देखिए बड़ा मुद्दा है, लोग कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर स्टूडेंट बड़े समझदार हैं, और भी कुछ स्टूडेंट हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, उनकी राय जानेंगे, वो क्या सोचते हैं और वो क्या चाहते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। देखिए कुछ स्टूडेंट है, क्लास में चलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनको किस तरह का प्रधानमंत्री चाहिए और पूछते स्टूडेंट शर्मा आ गए, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ लोगों से हम जानेंगे उनकी क्या राय है। नहीं है, कुछ लोग हैं बोलना चाहिए, देखिए कैमरे के सामने सब लोग भाग जाते हैं, और कोई बात नहीं, कुछ लोग हैं जो नहीं बोल पाते। हम बार बार कहते हैं जो बोलता है उसकी सुनने का, जो नहीं बोलता उसकी नहीं सुनने का। चलिए आगे चलते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है, देखिए कई सारे मुद्दे यहाँ पर उठे हैं और कई लोग जो है ये सोच रहे हैं कि वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या नहीं चाह रहे। देखिए कुछ लोग हैं और सब लोग जो है बदल जा रहे हैं, और देखिए और भी कुछ लोग। क्या नाम है? महविश शमीम। शमीम जी बताइए इस बार क्या लग रहा है, किस तरह का प्रधानमंत्री चाहिए हमको? तो मतलब जैसे पिछले साल मतलब देखिए आप, ये जो अभी प्राइम मिनिस्टर थे वो बहुत सारे चीज को बेच दिए, ऐसा नहीं चाहिए जो हमारे एजुकेशन सेक्टर में अच्छा करे, और मतलब क्या लालची नहीं चाहिए। बेच दिए प्रधानमंत्री, क्या बेच दिए? रेल बेल और उनका बस चले तो देश बेच दे। एक और आवाज आ रही थी, क्या नाम है आपका? आइए इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशनुमा परवीन है। खुशनुमा परवीन जी, क्या लग रहा है इस बार आपको, किस तरह के प्रधानमंत्री चाहिए? प्रधानमंत्री फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे तो करप्ट सभी है, लेकिन अगर एज अ प्राइम मिनिस्टर हम देखें तो उसके अंदर करप्ट नहीं होना चाहिए। हाँ अगर किसी को पावर मिलता है तो वो अच्छा इंसान भी पावर में जाने के बाद वो करप्ट हो जाता है, लेकिन उम्मीद तो यही करेंगे कि अगर उनके पास पावर्स है देश चलाने का तो वो जनता के भले के लिए कुछ करे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन जो चल रहा है, कास्टिज्म चल रहा है, रिलीजियस बेसिस पे बात चलती रहती है, सिर्फ इन्हीं बेसिस पे बात चलती है, हमारे जो गवर्नमेंट है बस यही बात करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम करके देश में आग लगा रहे हैं।
तो सबसे बड़ी चीज कि ये नहीं होना चाहिए, अगर इंसान है तो वो इंसान होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, इस बेसिस पे बात होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज कि हाँ, सबके साथ इक्वालिटी होनी चाहिए स्टूडेंट्स के। अभी समान व्यवहार नहीं हो रहा देश के अंदर, हम लोग देख लेते हैं कि हमारे गवर्नमेंट जो है वो मणिपुर वाला केस को इस तरह से इग्नोर करते हैं कि मतलब उनकी नज़र में मणिपुर का कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर वहाँ पे कुछ लोग हैं तो उनके लिए उनको बढ़ चढ़ करके काम करना चाहिए, लेकिन देखा जाए तो ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए भाई, मणिपुर का केस बहुत उठ रहा है, और भी कुछ स्टूडेंट हैं उनसे जानेंगे उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं। और क्या नाम है आपका? ईशा कलको। क्या? ईशा कलको। निशा जी, ईशा, ईशा ये बताइए, इस बार किस तरह के प्रधानमंत्री आप चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं आप लोग, वोट करने जाएंगे आप लोग, क्या सोच रहे हैं इस बार, किस तरह के प्रधानमंत्री आप लोग चाह रहे हैं, किस तरह का प्रधानमंत्री होना चाहिए आपके देश में? पीएम नरेंद्र मोदी सही काम कर रहे हैं या फिर कुछ और होना चाहिए? अभी तो हम पॉलिटिक्स के बारे में ऐसे कुछ जानते ही नहीं, तो क्या ही बोलेंगे। नहीं, आप लोग टीवी देखती होंगी, आप लोग वोट करने जाएंगे, क्यों नहीं हुआ है अभी, 18 साल नहीं हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है देश के अंदर अभी सब कुछ सही चल रहा है जिस हिसाब से देख रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, आपका नाम? दिव्या नाम है। दिव्या, इस बार वोट करें? अभी तो वोटर आईडी अप्लाई किया है, बना नहीं है। कोई बात नहीं, इस बार क्या मतलब फर्स्ट टाइम वोट करोगी अगर करोगी? हाँ। पहले ही बताओ कैसा लग रहा है, फर्स्ट टाइम वोट करोगी? अच्छा लग रहा है। तो क्या इस बार क्या तुमको लग रहा है कि इस बार कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, जो सबको इक्वली ट्रीट करे, सबके साथ इक्वली व्यवहार करे, मतलब गांव से शहर का सबका विकास हो वैसा? वैसा। तो क्या मतलब अभी तुम्हें लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो काम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं देखिए, काम तो ठीक कर रहे हैं, सबका अपना ओपिनियन है, सब अपने अपने तरीके से लोगों को देखते हैं, लोगों का नज़रिया अलग होता है, तो उसके हिसाब से तुम्हारे हिसाब से काम ठीक है। तो बदलाव होना चाहिए कि नहीं? कुर्सी पर कौन आना चाहिए? कुर्सी पे कौन आना चाहिए ये तो मैं अभी नहीं कह सकती कुछ। हाँ भाई, चलिए फर्स्ट वोटर है और पहली बार वोट करेंगी, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और यहाँ पर देखिए लंच चल रहा है, जो कुछ स्टूडेंट है लंच कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लंच करते करते भी बातचीत कर ले। भागना नहीं है। क्या नाम है आपका? खा लीजिए आराम से। क्या नाम? श्रेया। श्रेया, श्रेया इस बार क्या लग रहा है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किसको देखना चाह रही है? ऑब्वियसली मोदी। मोदी क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब गरीबी मेन है कि उनका मेन मोटो है कि जितने भी गरीब लोग हैं उसका गरीबी हटाना, बहुत सारे अपने तरफ से जितना कोशिश हो रहा है वो कर पा रहे हैं देश के लिए, तो इसलिए मोदी को चुनना ज़्यादा ज़रूरी है। भाई, इसलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा वुमेन एक ऐसा टॉपिक है अभी आजकल कि उन लोगों को मतलब छूट नहीं मिलता है बहुत सारा चीज़ में, घर में भी काम वाम के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होते थे, लेकिन जैसे कि जब से मोदी आए तब से बहुत सारा चीज़ से मतलब छुटकारा मिला, लाइक गैस और एवरीथिंग और वॉशरूम एनीथिंग। भाई शौचालय की बात आ एग्जैक्टली, हाँ तो मोदी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वो इतने टाइम में अभी तक इतना कुछ कर लिए तो अगर आगे रहेंगे तो डेफिनेटली करेंगे। इस बार वोट करने जाओगी? हाँ, बट वोटर लिस्ट नहीं है, आईडी कार्ड नहीं है। 18 हो गया? हाँ 19 हो गया। तो अगर लग कैसा रहा है मन में कि वोट करना है, कैसा लग रहा है? लग रहा है कि वोट करना है बट है नहीं, बट नेक्स्ट ईयर से करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट ईयर से? नेक्स्ट ईयर तो है ही नहीं, 5 साल बाद में भी विधानसभा का चुनाव आएगा। Exactly. विधानसभा के चुनाव में वोट करो। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अभी मोदी मोदी कर रही थी, नाम क्या है बताइए? स्नेहा। स्नेहा, आपको क्या लग रहा है इस बार किस तरह की सरकार चाहिए? बीजेपी। क्यों? दोस्त यार है इसलिए कि कोई आपकी सोच है? दोस्त है, सोच है भैया, बहुत अच्छा काम किया वो पास्ट में भी, 2014 से पीएम का सीट पे बैठे हुए हैं, तो अभी आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। आगे भी अच्छा काम करेंगे, और भी कुछ लोग हैं, स्टूडेंट है, और भी उनसे बातचीत करेंगे, वो उनकी राय जानेंगे। देखिए स्टूडेंट की राय बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? और अभी आपका नाम? दीपशैली। दीपशैली, दीप ये बताओ इस बार क्या लग रहा है तुमको, कौन आना चाहिए? मोदी आना चाहिए, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि वही बेटर है। बेटर है, क्यों बेटर?
उन्होंने बहुत कुछ किया, सबसे बड़ा तो राम मंदिर बनवाया। हाँ भाई, राम मंदिर का मुद्दा, क्या बात है। और उन लोग ने मतलब बहुत कुछ किया हम लोग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए किया, सबके लिए बहुत विकास लाया। बहुत विकास लाया। लग रहा है कि इस बार अगर आते हैं तो फिर विकास लेकर आएंगे। हाँ, उन्होंने बोला भी है, और बढ़ेगा इंडिया। बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया। हाँ। खेलेगा इंडिया। हाँ। बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया। चलिए, कुछ लोग हैं और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम जानेंगे उनकी क्या राय है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि भाई स्टूडेंट्स को अपनी राय रखनी चाहिए। देखिए, और स्टूडेंट्स की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। स्टूडेंट अगर अपनी राय रखते हैं और वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाह रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ लोग और हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। देखिए, यहाँ पर जो लॉ के स्टूडेंट हैं काफ़ी समझदार होते हैं, और भी कुछ लोग हैं, युवा हैं, उनसे बातचीत कर। क्या नाम है? हर्षवर्धन। अश्वनी। हर्षवर्धन। हर्ष, ये बताओ कि इस बार क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री कौन होने चाहिए? अब तो मेरे ख्याल से तो नरेंद्र मोदी को ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं सब जगह। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। क्या लग रहा है, कौन सा काम तुमको सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है? पसंद तो बहुत सारा हो सकता है, डेवलप हो रहा अच्छा अच्छा फिर बाहर में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी हो रहा कुछ कुछ। अब उतना नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत जो पता आपको बता दें। मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। आपका नाम? दीपक। दीपक, खड़े हो जाओ। दीपक, ये बताओ क्या लग रहा है इस बार, कैसा प्रधानमंत्री चाहिए तुम्हें? आएंगे तो मोदी जी। आएंगे मोदी जी, क्यों? उनका जो काम है ना, वो सबसे हटकर, बाकी जो जितने प्रधानमंत्री आए हैं सबसे अलग है उनका वर्क। सबसे मेन मुद्दा था राम मंदिर का। राम मंदिर के भाई हैं। हाँ। और बहुत दिन से वो अटके हुए थे कोर्ट में, आए वो अपना वचन पे निर्भर है, जो वो बोले वो कर दिखाए। बाकी सब प्रधानमंत्री आए तो उससे बोले हाँ देखेंगे करेंगे, पर वैसा वो कर नहीं पाए। बट मोदी जी का जो बात का वैल्यू है ना, वो अपने बात पे अटे हुए हैं। भाई मोदी जी जो कहते हैं ना, मोदी जी की गारंटी, मतलब गारंटी यानी मोदी जी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं। एक और स्टूडेंट है, आपका नाम? प्रकृति। प्रकृति, प्रकृति, ये बताओ इस बार किसको देख रही हो प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। भाई सब नरेंद्र मोदी, आखिर क्यों, ऐसा क्या काम कर दिया उन्होंने? क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, इतना ज्यादा डेवलपमेंट लाए इंडिया में, महिलाओं को गैस की सुविधा मिली है, 10 साल से जो भी विकास हो रहा है सबके सामने ही है तो, और हिंदुओं के लिए भी बहुत कुछ किया है उन्होंने। और फिर बात ये कि हमारा देश जो विदेशों में जो मतलब उनको पूछता भी नहीं था हमारे देश को, आजकल वो विदेशों में भी नाम कमा रहा है, तो ये सब विकास तो हो ही रहा है, तो इसलिए नहीं। राहुल जी गुस्सा आ जाएंगे, हमारे समय से विदेशी काम हो रहा है वहाँ पर। हम लोग, राहुल जी तो कहते हैं कि हम जब थे तो विदेशों में और डंका बसता था। राहुल जी तो अपना भाषा ही नहीं देख पा रहे तो वो देश को क्या देखेंगे। ये भी बात। चलिए, और भी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जब कुछ सोचते हैं क्या सोचते हैं, और स्टूडेंट की जो हम बार बार क्यों कहते हैं स्टूडेंट की राय बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यही वोटर जो है जब वोट करने जाते हैं, पहली बार वोट करने जाते हैं, तो सत्ता जो है परिवर्तित भी हो जाती है और सत्ता जो है वो मिल भी जाती है। तो कुर्सी से उतारने और चढ़ाने का काम इन्हीं स्टूडेंट्स का होता है, इन्हीं युवाओं का होता है, तो ये बहुत सोचने की बात होती है। और हम बार बार कहते हैं कि जो युवा है, जो युवा वर्ग कुछ भी बोलते हैं तो उन्हें सुनना ज़रूर चाहिए, सुनना ज़रूरी है। नेताजी सुन लीजिए युवा क्या सोचते हैं, वरना फिर आगे जो है फिर यही युवा जब EVM पर जाएंगे और अपना बटन दबाएंगे अपने इच्छा अनुसार तो आप ही के लिए दिक्कत होने वाली है। तो फिलहाल हम अब कल कहीं और मिलेंगे, किसी और जगह मिलेंगे, जैसा कि हम कहते हैं कि हम झारखंड की राजधानी रांची में फिर किसी लोकेशन में मिलेंगे, वहां से जानेंगे वहां के लोगों की क्या राय है, वो क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।